ఇలా ఉంటుంది ఎందుకంటే అప్పుడు సీట్ ఉంది आम आदमी पार्टी राष्ट्र ट्रेजरर डॉक्टर अंसारी गारु वेदिक दग्गर मनवी चेस्तुन्नामु ఎక్సెల్ ఆ మినిస్టర్ శ్రీ సోమనాథ్ భారతి గారు వస్తున్నారు అలాగే పార్టీ వాలంటీర్లకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము ముందు మీడియా మిత్రుల గురించి వదిలి మీరు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము పక్కలకు సైడ్ లకు నిలబడ్డ మా వాళ్ళకు కుర్చీలలో నాతో పాటు మీరు కూడా నినాదాలు ఇవ్వండి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ అందరూ మీరు అయినా మీరు మీ అందరికి కృతజ్ఞత గౌరవనీయులు తెలంగాణ స్టేట్ అబ్జర్వర్ ప్రియాంక కక్కర్ జీ గారు స్వాగతం పలకవలసిందిగా కోరుచున్నాము అలాగే గౌరవనీయులు తెలంగాణ స్టేట్ వేదిక అలంకరించవలసిందిగా కోరుచున్నాము అలాగే మా సెక్రటరీ గారు చేస్తున్నాము అలాగే అలంకరించవలసిందిగా కోరుచున్నాము అలాగే అలాగే స్టేట్ కోర్ కమిటీ కోఆర్డినేటర్ శ్రీ సంగశెట్టి నరసింహ గారు అలాగే వేదిక పైకి నేను స్టేజ్ మీదనే ఉన్నాను ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ కార్యకర్తలు దయచేసి మీడియా మిత్రులకి అక్కడ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం దోస్తో జరా సామ్యక సీట మీడియాకి దోస్తోకు దీజియే ప్లీజ్ ఆప్సే గుజారిష్ హై ఉన్ లోగ్ అందరూ గౌరవనీయులు సోమనాథ్ భారతి చేసి సత్కరిస్తారు అలాగే జోబ్లే హిల్స్ శ్రీ సయ్యద్ సలావుద్దీన్ గారు ఇన్ఛార్జ్ శ్రీ గౌరవనీయులు సోమనాథ్ భారతి గారికి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ సోమనాథ్ జీ సంఘర్ష్ కరో అన్సారీ గారని వేదిక సంఘర్ష్ కరో ఆప్ స్టేజ్ పై ఆకర్ हमारे सौथिन सोमनाथ भारती जी को गुलपोशी कर रहे हैं स्टेज खाली कर दीजिए जो भी लोग हैं हमारे महेश्वरम से कॉन्टेस्ट करेंगे सैयद अब्बास हमारे साथ पिछले कुछ महीनों से जुड़े हैं और वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज भी हैं और अब वहाँ से कैंडिडेट भी हैं अब्बास भाई की आइडियोलॉजी आम आदमी पार्टी से बिल्कुल मिलती है ये हमारे बीच में एक कॉमन आदमी है जिसने बहुत काम किया अब्बास भाई का सबसे पहला जो आपका केसीआर ने निल्लू क्या था निल्लू वो पूरा नहीं हुआ अब्बास भाई सबसे पहले उसी पे फोकस करेंगे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पानी की दिक्कत ना आए आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा कोई भी घर हो जिनके ऐसा कोई भी शख्स हो जिसके पास अपने नाम की प्रॉपर्टी नहीं होगी अब्बास भाई का पहला दायित्व होगा उसके लिए घर बनाना सबसे पहले पानी देना दूसरा आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है जैसा सर ने भी बताया आपकी इलेक्ट्रिसिटी कम से कम आधी होगी और ज़्यादा नहीं तो ये सब
सैयद अब्बास भाई करके दिखाएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है, इनको प्लीज सपोर्ट कीजिए। पार्टी में पोजीशन में पावर में कोई भी आए हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमारे 10 विधायक अंदर भिजवा दीजिए, उनमें से एक अब्बास भाइयों काम हम करवा लेंगे। जय हिंद। सलाम अलैकुम जी, मेरा नाम सादिक बिन यूसुफ सालम, राजेंद्र नगर आम आदमी पार्टी से MLA कैंडिडेट चुना गया है। और इंशाल्लाह राजेंद्र नगर में जो जितने भी पार्टीज थे वहाँ पर, कांग्रेस भी थे वहाँ पर, TDP भी थी और TRS भी थे वहाँ पर, लेकिन वहाँ के हालात जो 10 साल 20 साल पहले जो थे आज भी वही हालात है वहाँ पर। और हमारा एक ही मकसद है, एक ही काम है कि हमारे एरिया में हमारे शहर को डेवलप करना है हमारा काम। और जो कुछ हमारे एरिया में जो भी पेंडिंग वर्क है, इंशाल्लाह हम घर घर मुहिम चलाएंगे, हर घर जाके हर आदमी से पूछेंगे कि वो आपका क्या प्रॉब्लम है, और उनका प्रॉब्लम हम एक लिस्ट बनाएंगे और इंशाल्लाह जल्द से जल्द उनके प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। और जो भी हमारे पास करप्शन वगैरह जो कुछ चल रहा है, इंशाल्लाह हम सारे करप्शन पे भी आवाज़ उठा रहे हैं और जो भी करप्शन है वो भी बंद करा देंगे इंशाल्लाह। आप लोग से गुजारिश है कि आप 7 दिसंबर को आम आदमी पार्टी को जिताएं, हमारा सिंबल है झाड़ू। आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग झाड़ू पे 7 दिसंबर को बटन दबाएं और हमें कामयाब करें। इंशाल्लाह आपका जो भी काम है हम आपको बॉन्ड पेपर पे लिख कर देंगे। उसके बाद अगर हम जीतने के बाद ये काम नहीं कर सके तो आप हमको जेल भी लेकर जा सकते हैं, हम उसके अंदर ये भी अथॉरिटी लिख के देंगे आपको। सबसे पहले तो मैं आम आदमी पार्टी का, हमारे अरविंद केजरीवाल साहब का और सोमनाथ भारती साहब का, प्रियंका कक्कर मैडम का और हमारे तेलंगाना के हमारे कन्वीनर, उन तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने आम आदमियों के मसाइलों को रखने के लिए एक मुझे एक मौका दिया है। और इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह आम आदमी पार्टी को जो है इस उम्मीद पर हम कामयाब करेंगे और उनको ये दावे नहीं वादे करके बताएंगे कि हल्के असम्बली कारवान के अंदर जिन जिन मसाइलों के ऊपर आज तेलंगाना कारवान की आवाम परेशान है, उनको उनके मसाइलों को जो है हम दूर करेंगे। और स्पेशली वहाँ का मसला है मच्छरों का और वक्फ़ की अराजियत का और गंदगी का, हम उसको सबसे पहले हटाएंगे। और रही बात आज इन सियासी पार्टियों से परेशान है कि जिस तरह से बिना वजह चंद्रशेखर राव ने अपनी हुकूमत को डिसॉल्व किया है, इसमें समझ में आया कि वो जो है सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। 12% तहफ़ुज़ का जो है वादा किया था वो नहीं आया। KG to PG एजुकेशन फ्री करने की बात की गई थी वो नहीं हुआ। 2 लाख जॉब देने की बात की गई थी वो नहीं हुआ। तेलंगाना के काफ़ी मसाइल को जो है ना सामने रखा था 2014 में, लेकिन एक भी वादा उनका जो है पूरा नहीं हुआ। लेकिन आप आम आदमी पार्टी अगर इख्तदार में आती है तो जो जिन जिन हम वादे जो है तेलंगाना दिल्ली में करे थे जिसको मुकम्मल किए हैं उसी तरीके से कारवान से जो है, देखिए मेहनत पार्टी से जो है जब से हम जुड़े हुए हैं, पार्टी से जब से पार्टी बनी 5.5 साल से जो है मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। और वहाँ के तेलंगाना कारवान के जो जितने मसाइल है उस मसाइलों को लेकर चल रहा था। कारवान के लोगों ने मेरा जो है ना हौसला बुलंद किया, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे टिकट लेकर जो है उनके लिए आया हूँ। वो पार्टियाँ जो आई टू आई नहीं देख सकती थी, जो फंडामेंटली डिफरेंट है, वो आज कैसे एक साथ खड़ी है इस पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स आम आदमी पार्टी के समझ से बाहर है। लेकिन लाइक माइंडेड पीपल, लाइक माइंडेड पार्टीज, अगर वो कोई चाहता है तो मैं स्वागत करता हूँ, वो आगे आए। लेकिन वो चॉइस हमारे पे रहेगा कि भाई किस तरह की पार्टियों के साथ हमें अलायंस करना है। आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल चॉइस के रूप में तेलंगाना के लोगों के सामने हमने पेश किया है। और जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में बदलाव, क्रांतिकारी बदलाव दिल्ली में करके दिखाएँ, वो सारे यहाँ भी संभव हैं और यहाँ करके दिखाएंगे। 20,000 लीटर प्रति महीना प्रति फैमिली पानी मुफ्त, बिजली के बिल आधे, सारे पेंशन 3 गुना कर देना, हमारे स्किल्ड लेबर्स के जो मिनिमम वेजेज हैं उसको हम दिल्ली की तरह बढ़ा के देंगे। आप किसानों के लिए जो वन टाइम वेवर है लोन का, हमने 3 लाख रुपया कहा कर देंगे। फार्मर्स के लिए हाईएस्ट कंपेंसेशन दिल्ली सरकार ने दिया 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, वो हम यहाँ भी देंगे। ये एक ऐसा ऑप्शन बन के उभरा है दिल्ली में, वो सारे के सारे सुविधाएं हम तेलंगाना में भी देंगे। सादिक भाई इधर आ जाइए, सादिक बिन सूफ
राइंस किधर है मंचीरला फात अहमद और आम आदमी पार्टी ने एक इतिहास कायम किया हमारे एक दिव्यांग साथी को मौका दिया कोठा गुडम असेंबली कंस्टिट्यूंसी से सतीश गुंडा पनानी कंस्टिट्यूंसी से कुतुबुद्दीन सलाउद्दीन मोहम्मद सलाउद्दीन साहब आप क्षेत्र का आम आदमी और आम औरत है इनमें से कोई भी और पार्टियों की तरह सारे आम आदमी ने जैसे आदमियों ने दिल्ली के अंदर गवर्नेंस को चेंज कर दिया ये सारे साथी तेलंगाना की जरूरत को दुख को के साथियों को वादा करते हैं कि जिस उस पीड़ा का समाधान ये सारे होकर करेंगे साथी मैं सारे विधानसभा के साथियों से कहना चाहता हूं आपके विधानसभा से इनमें अरविंद सब के अंदर बैठा हुआ जो कमिटमेंट आम आदमियों ने दिल्ली में किया उसको पूरा किया 70 में से 50 वादे हमने वहां पूरे कर दिए जो जो वादा हमने आज मैनिफेस्टो में किया है वो सारे वादे हम तेलंगाना के साथियों को वादा करते हैं देख रहा है भाई गुरु देख रहा है क्राइस्ट देख रहा है सब देख रहे हैं सबके हवाले कहना चाहता हूं जो कहा है वो पूरा करूंगा दिल्ली वो पूरा किया उसको पूरा करेंगे तेलंगाना के और बाकी सारे काम हम पर छोड़ दें ये आम आदमी ये आम औरत सब मिलकर के तेलंगाना के साथियों को सपने को पूरा करेंगे साथी